पिछले साल मिड नवंबर के अंदर यहाँ से ये लैंडफिल साइट को साफ करने का काम शुरू हुआ था। टारगेट था कि 18 महीने के अंदर लगभग 30 लाख टन यहाँ से जो लीगेसी वेस्ट है, कूड़ा है, वो कम किया जाएगा। आज तक का लक्ष्य था कि लगभग 14 लाख टन कूड़ा कम किया जाएगा। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि टारगेट से कहीं ज़्यादा स्पीड से काम चल रहा है। आज तक का जो टारगेट था 14 लाख टन का, उसको पूरा किया जा चुका है और 18 लाख टन, 14 की बजाय 18 लाख टन कूड़ा कम किया जा चुका है। अभी जो एजेंसी काम कर रही है, इसको ये 30 लाख टन अगली साल 15 मई 2024 तक कंप्लीट करना है। लेकिन जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, उससे ये उम्मीद है कि 15 मई तक 30 की बजाय 45 लाख टन कूड़ा कम हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 60-65 लाख टन कूड़ा बताया जा रहा है। उसके अलावा डेली बेसिस पे 2000 टन कूड़ा फ्रेश भी आ रहा है। तो इसके लिए एक एजेंसी और हायर करने की प्रक्रिया चालू है, ताकि दोनों एजेंसीज मिलके जल्दी से जल्दी सारा का सारा साफ कर सके। अभी ये जो एजेंसी कर रही है, जब इनका 45 लाख टन कूड़ा साफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लगभग 35 एकड़ जमीन खाली हो जाएगी। और जब सारा यहाँ से कूड़ा साफ हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि ये जो इतना गंदा एक दाग था दिल्ली के ऊपर, ये पूरा साफ हो जाएगा। इधर इस सड़क से पंजाब और हरियाणा से लोग आते थे, और एंट्री के ऊपर ही एक कूड़े का पहाड़ उनको दिल्ली में दिखाई देता था। ये अगर साफ हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे तरह तरह के जब से तरीके से इस ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं एजेंसी को भी और एमसीडी के इंजीनियर्स को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं।